140 साल पहले कुछ ब्रोकर मिलके बनियन ट्री के नीचे बैठ के ये स्टॉक एक्सचेंज शुरू करवाया। उस दिन से लगा के इन्होंने जिस रफ्तार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की की है वो दुनिया में सब लोग बहुत जोरों से देख रहे हैं। आज वर्ल्ड के फर्स्ट 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक में बीएसई का नंबर है। बीएसई ने पूरे हिंदुस्तान को दिखाया कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे आते हैं, उससे कंपनियां कैसे चलती है और किस प्रकार से ये कंपनियां चलने से देश का फायदा होता है और ये प्राइवेट पब्लिक सभी कंपनियों को एक ही साथ रजिस्ट्रेशन दिया है। मैं आपको और एक बात बता दूं, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक कंपनी बन गई है और उसके 40% शेयर जो है वो ब्रोकर कोई ब्रोकर के हाथ में है, पर एक भी ब्रोकर डायरेक्टर नहीं है। सच इज़ द डेमोक्रेसी इन बीएसई। तो इस प्रकार के ये बीएसई को एनएसई 20 साल पहले आई, लोगों को लगा इतनी बड़ी एनएसई आई है अब तो बीएसई थोड़ा पीछे आएगा, पर उसके बाद भी बीएसई की रफ्तार चलती रही। हम यही सोचते हैं कि 140 साल बाद क्या 200 साल बाद भी बीएसई इसी प्रकार से चलते रहे और देश में प्राइवेट इंडस्ट्री पब्लिक इंडस्ट्री सबके लिए पैसा इकट्ठा करते रहे। अपने देश के ग्रोथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सभी की जरूरी है और ये सभी इकट्ठा होते हैं बीएसई में और बीएसई से ही पैसा इकट्ठा होके इसका उसका विनियोग होता है और देश में इतनी बड़ी जो कॉरपोरेट जगत बनी है जिसके हाथ में आज बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो 60 लाख करोड़ के ऊपर है। तो ऐसे बीएसई का देश के जीडीपी बढ़ने में बहुत बड़ा काम है। बीएसई ना होता तो इतनी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन होता ही नहीं और इतनी जल्दी ये देश में वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है वो बीएसई के कारण ही जल्दी जल्दी बढ़ता है और रिकॉग्नाइज भी इसी से होता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले कर रही है। जो स्टॉक एक्सचेंज 140 साल पहले खाली हाथ के इशारे से चलता था, चंद ब्रोकर स्ट्रीट पे बनियन ट्री के नीचे बैठ के एक्सचेंज चलाते थे, वही एक्सचेंज आज इतना टेक्नोलॉजी से भी हो गया कि मोबाइल फ़ोन पे अभी मैं यहाँ ऐसे बटन दबा के अमुक कंपनी के अमुक शेयर लेके बेच भी सकता हूँ। तो इतना इजी काम बीएसई ने अपने देश में कर दिया है और टेक्नोलॉजी में हर प्रकार की नई टेक्नोलॉजी। मैं अभी नैसडैक भी गया था तो नैसडैक में जो जो टेक्नोलॉजी है वही पूरी टेक्नोलॉजी बीएसई में आ गई है। बीएसई के जो मेंबर्स है और बीएसई के खासकर जो चौहान साहब है वो इतनी अच्छी तरह से काम किया है उन्होंने पिछले 3 साल में, तो बीएसई और आगे बढ़े यही हम इच्छा रखते हैं। देश में जो जीडीपी बढ़ता है, देश में जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, देश में लोगों को काम मिल रहा है, वो सब के पैसे बीएसई के थ्रू आके जाते हैं और इतना बड़ा पैसे का इकट्ठा हो रहा है और कई नई कंपनियां आ रही, कई नई इंडस्ट्री आ रही है। आज इंफोसिस विप्रो जैसी कंपनियां पहले कुछ भी नहीं थी, आज इतनी बड़ी बड़ी लाखों करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां हुई वो बीएसई के कारण ही हुई। तो बीएसई का बहुत बड़ा सहयोग है इस देश के जीडीपी ग्रोथ में, इस देश को बनाने में, इस देश में पूरा प्रकार का इंडस्ट्री ट्रेड सर्विस चलाने के लिए बीएसई का बहुत बड़ा रोल है।